यार मैं कहती हूँ लेवल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। और ये आज का हमारा ब्लॉग है। मेरे पास एक सूट है सफ़ायर का, ठीक है। इसकी सबसे पहले मैं इसके ट्राउज़र की आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में शर्ट का बताऊँगी आपको। काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ तो देख रहे होते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें तो बाद में वीडियो कम्प्लीट करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सके। जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि ट्राउज़र कैसा स्टिच हुआ है। मैं कहती हूँ कि ना अखीर हो गई है। मैंने तो स्टिच किया हुआ है ना, वो ऐसा स्टिच किया हुआ है जी। तो मेरे पास ये एक सफ़ायर का सूट है, इसमें दिया गया है लॉन की एक शर्ट है, एक ट्राउज़र है, और ये है कि मैंने ना इसको आयरन कर लिया था। तो मैंने ना उल्टा मुझे कटिंग करना था, ठीक है, उल्टा कपड़ा रख के। फिर मुझे याद आया मैंने वीडियो शूडियो तो बनाई नहीं है, तो फिर मैंने उल्टा ही तय करके अंदर डाला, फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट की मैंने। तो अच्छा फिर ये, अच्छा तो फिर ये आ जाते हैं यार। ये है एक लॉन का सूट सफ़ायर का, ऐसे सिली हुई है कुर्ती और आप लोग देख रहे हैं ऐसा डिज़ाइन है पैनल्स वाला। तो प्रिंटेड लॉन शर्ट 3 मीटर दिया हुआ है और प्रिंटेड जैक आर्ट का इसका ट्राउज़र है 2.50 मीटर, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा स्टिच किया हुआ है, मैं आपको दूसरे तरीके का स्टिच करके बताऊंगी। मेरा दिल कर रहा है शर्ट हो बैगी स्टाइल में, थोड़ी शॉर्ट, इतनी भी शॉर्ट नहीं, घुटनों से थोड़ी सी ऊंची, ठीक है। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये इसकी शर्ट है। शर्ट बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है कि आप लोग देखें। ये मैंने लिया था 2290 का, 2 पीस लिया था। 2 पीस ले लो ना, कसम से इतनी की खप होती है ना दुपट्टे की कि दुपट्टा मैच करने चलो तो ये वो मिल नहीं रहा। अगर आप शर्ट दुपट्टा ले लें तो ट्राउज़र की खप होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ना शर्ट और दुपट्टा ले लेना चाहिए, ट्राउज़र का तो सिंपल प्लेन ही होता है तो ईज़िली कहीं से भी मिल जाता है। लेकिन मैं अब दुपट्टे का क्या करूँगी, ये तो ट्राउज़र शर्ट है। अच्छा, इसके साथ ही फ्लोरल डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है और ज्योमेट्रिकल भी इन्होंने ऐड किया हुआ है दोनों। तो दुपट्टा मैं सोच रही हूँ पिंक कलर का ही ले लूँ, ठीक है। ये इसकी शर्ट है, कपड़ा इन्होंने सही देता हुआ है, मतलब वावा ही देता हुआ है। और ये है कि ट्राउज़र है इसकी, हम कटिंग करेंगे ब्लॉक ट्राउज़र। और ये मेरे पास एक एथनिक का ट्राउज़र है, स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र है, इसको मैंने काफ़ी दफ़ा ना पहन चुकी हूँ तो ये इसकी ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये ना काफ़ी शॉर्ट है, मैं इतना भी शॉर्ट नहीं रखूँगी। तो 4 लेयर्स में ना आपने ये ट्राउज़र का कपड़ा फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड से, ठीक है। कोई भी निशान लगाना है ना आपने तो उल्टी साइड पर ही आना है। और यहाँ से मैं कटिंग करती हूँ, ऊपर वाली साइड से मैं नहीं करती क्योंकि ऊपर साबुत कपड़ा है, मतलब जो नीचे से 3 इंच का बचेगा तो क्यों ना ऊपर से 6 इंच का बचा लें आप, ठीक है। आप लोग ये देखा करें कपड़ा ज़्यादा कहाँ से बच रहा है, ये नहीं कि बस काटने की कर रहे हैं दे मार 4.5 के बचत ही नहीं हो रही तो फिर आ जाते हैं। अच्छा मैं आपको ये बताऊँ, ये फ्रंट साइड है, जो 2 लेयर्स हैं ना वो उठा के मैंने नीचे किए हैं, ठीक है, ऐसे। फिर यह है इसकी लेंथ जो है, मैं ट्राउज़र की लेंथ देखती हूँ। ट्राउज़र की लेंथ ये है कि 33 दी हुई है ट्राउज़र की इन्होंने लेंथ ना। यार ये ट्राउज़र की लेंथ बहुत छोटी है, मैं मेरी लेंथ जो होती है ना 36 होती है नॉर्मल लेंथ, तो मैं ब्लॉक ट्राउज़र की वजह से ना 35 रखूँगी, ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं रखूँगी, लॉन्ग ही रखूँगी मैं ना। तो जब दिल किया थोड़ा सा ऊपर कर लें चढ़ा लें, जब दिल किया थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है। तो मैं 35 लेंथ रखूँगी इसकी, ऐसे अपने निशान लगा लेना स्ट्रेट। और ये जो मैं जिससे निशान लगा रही हूँ, ये मेरे पास तलवार है, ये मेरे बेटे की है, ये उसके फुप्पा लाए थे तुर्की से, तो ये मेरे बहुत काम आ रही है। अच्छा तो ऐसे ना आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है, स्ट्रेट लेंथ देखनी है। मेरी 35 लेंथ ही, तो 37.5 रख के कटिंग करूँगी नीचे पाँचे पे, जो मुझे डिज़ाइन बनाना है ना उसके बाद मैं नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा पलटावा रख के बैक साइड पर फोल्ड करूँगी ट्राउज़र के पाँचे का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैंने 2.5 इंच रखा है, 35 हटा के 2.5 इंच मैंने ज़्यादा रखा है, 2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा नेफे में, ठीक है, और 1/2 इंच नीचे का छोटा है। अच्छा तो साइड से आपने स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है, स्ट्रेट कटिंग के बाद आपने ये अपना देखना है आसन। हाँ
आपने ये आसन देखनी है अपनी, कितनी है आसन, ठीक है, वो देख लेनी है। ये थाइज़ का निशान लगा रही हूँ, ट्राउज़र से आपने मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। ट्राउज़र का निशान लगा रही हूँ थाइज़। और ये पांचा इसका तैयार था, मैं आपको सारी मेजरमेंट करके ना इसका स्केच बना के मैं एंड पे मैं आपको दिखा दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इजीली, किसी को भी दिखा दिएगा, खुद सीना हो खुद सी ले, टेलर को करना हो टेलर को सेंड कर दे। जितनी मैंने थाइज़ ली थी ना, थाइज़ जितनी भी होगी आपकी उससे आपने 3 इंच कम करके ऊपर निशान लगाना है, जो मैं लगा रही हूँ, ठीक है। फिर आपने ना इसकी गुलाई देनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आपने वीडियो ज़रा सी भी मिस नहीं करनी, पूरी देखी एग्जैक्ट आपका ऐसे ही ट्राउज़र सिलेगा, इतना ज़बरदस्त कि मैं कहती हूँ आपको फील आ जाएगी बड़ी टाइट वाली, ठीक है। हाँ, तो ये है नीचे का ही बॉटम है, आपने ये स्ट्रेट रखना है, 8 से 10 इंच का स्ट्रेट रखना है जो मैंने निशान लगाया अभी। तो इसकी हल्की सी गुलाई दे के ना थाइज़ की तरफ आपने ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आती होगी, अच्छी लगती होगी, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल डिट्टो कॉपी आप लोग कर लें जो मैं कर रही हूँ। हाँ, यह हो गया ट्राउज़र कटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ, ये 2 लेयर्स आपने उठानी है, 2.5 इंच की आगे कर देनी है, 2.5 इंच आगे कर देना आपने, ठीक है। पूरा सेट कर लेना अच्छी तरह ऐसे। तो मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ना आप महंगे कपड़े पहन के ही अच्छे लगते हैं, मेरे पास भी हैं लोकल कपड़े। जो मैंने पोलका डॉट की एक फ़्रॉक नहीं पहनी हुई थी जिसमें मैंने वेलकम बैक टू माइंड ब्लॉग स्टार्ट मैंने लिया था, इससे पहला वाला ब्लॉग जो है वो भी मैंने कपड़ा जो लिया था 650 का कपड़ा लिया था पठान से, कराची की बाड़ा मार्केट से। मैं कहती हूँ यार वो फ़्रॉक मैंने ना काफ़ी लोगों को पहने हुए देखी, विराट कोहली की बुड्ढी जो है उनकी जो वाइफ है उसको भी मैंने पहनी हुई देखी, और काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस वगैरह हैं। जब मैंने स्टिच करके पहनी ना तो मैंने बाद में देखा वो सोशल मीडिया पे उनकी आ रही थी ना कोई पिक्चर्स वगैरह, मैंने कही तो मेरी फ़्रॉक है 650 रुपये दी जड़ी मैं लेती सी उन्होंने पता नहीं कितने की ली होगी। हाँ, तो मेरा ना बात बताने का ये मकसद है कि ना आप सस्ता सूट लेकर भी खूबसूरत सा आप स्टिच करवा सकते हैं, स्टिचिंग आपकी अच्छी होगी सूट पर 4 चांद लग जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है 5-6 हज़ार का सूट होगा, ठीक है, आप 1000 रुपये का भी ले सकते हैं 2 पीस, थान में मिल जाता है, ठीक है, 1200 रुपये का 15 का, इस तरह ना अलग डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। तो अच्छा सा स्टिच हुआ हुआ होगा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये लोकल सूट है आपका, बिल्कुल ब्रांडेड लगेगा, स्टिचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये ट्राउज़र कटिंग करके बीच से जो मैंने किया था कटिंग, और ये ऊपर से आपने बैक साइड की कटिंग ऐसे कर्व में देनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये फ्रंट साइड की कटिंग है ये, ठीक है, बैक को नहीं छेड़ना आपने अभी, और इसे 2 इंच बढ़ा के आपने कटिंग करनी है, ये देखें 2 इंच बढ़ा के आपने कटिंग करनी है इसकी, इससे बैठने उठने में ना मसला नहीं होता और खिंचता भी नहीं है कपड़ा, शलवार जो खिंचती है ना काफ़ी लोगों की। तो ये है कि इस तरह कट कुट लगा लीजिएगा आप लोग, तो ये हमारा हो जाता है ट्राउज़र कटिंग। और सबसे पहले ना आपने क्या करना है, इसको डबल करके यहाँ कट लगाना है, यहाँ सबसे पहले आपने लगानी है प्लेट, 6 इंच का निशान लगा लेना है, ऊपर से लानी है 1/2 इंच की और नीचे कोने तक ले जानी है जो मैंने 6 इंच का निशान लगवाया है, समझ रहे हैं। इसको फ्रंट वाले को मैंने डबल कर लिया था, यहाँ कट लगाया और ये 6 इंच का है निशान, ठीक है, इतना जो है 6 इंच होता है। सबसे पहले आपने इसकी सिलाई करनी है, ठीक है, ये देखें ऐसे सिलाई लगानी है, आप भले रोक के देख लें वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये साइड की सिलाई लगानी है दोनों तरफ से, और ये कपड़ा फ्रंट का इधर करके आपने इस साइड की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और इस सिलाई लगाने के बाद कपड़ा है आपने खोल लेना है, खोल के फिर आपने ना नेफा बनाना है, और इस प्लेट का मुँह इधर और इस प्लेट का मुँह इधर, ठीक है। ये नेफा बनाने पूरा नॉर्मल आपने नेफा ऐसे जोड़ना है, डबल करके सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा खुला रहने देना है इलास्टिक डालने के लिए। बंदी ने पूछा कि आपने ना इलास्टिक कितना इंचज़ लिया है, ठीक है, लास्टिक मैंने पता कितने इंचेस लेती हो, ये आपने नेफा अपना बना लेना, ठीक है। ये पूरा तैयार हो गया, ऊपर से इसको करना है डबल, इसकी जितनी भी विड्थ है ना इतना आपने लास्टिक ले लेना। मैं आपको बताती हूँ, आपने नॉर्मल पूरे ट्राउज़र में लास्टिक भर लेना अपना, ठीक है, डालिए लास्टिक। फ्रंट साइड पे आपने कोई चुन नहीं रखनी, सिंपल प्लेन लास्टिक आपने रखना है और वहाँ से पक्का कर लेना एक साइड से। और अब ये जो ये बैक साइड है, ठीक है, बैक की चुने आपने
एक जैसी कर लेनी है सारी, ठीक है। फिर यहाँ से पकड़ के आपने खींचना है अपनी तरफ, ठीक है, पीछे से भी खींचना है और फिर सिलाई लगानी है आपने। ये जो बैक साइड की चुने आ रही है ना, आपने इधर उधर नहीं करनी, ठीक है, इक्वल रखनी है सब जगह, और फिर इसको खींच के फिर सिलाई लगानी है, पीछे से भी उसको अपनी तरफ करना है, ठीक है। और फिर ये है सारा नेफा इस तरह का बना के आपने पक्का कर लेना है दूसरी वाली साइड से। तो अब हमारा हो जाता है ट्राउज़र तैयार, यहाँ से आपने पक्का करना है, ठीक है। अब हमारा हो जाता है ट्राउज़र तैयार, मेन अब चीज़ शुरू होने लगी बॉटम की ट्राउज़र के, रुकें ज़रा जी। तो ये है मेरे पास पर्ल्स, ठीक है, बहुत बड़े नहीं हैं, बड़ा जो सबसे बड़ा साइज़ है उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। ये शर्ट का बॉर्डर है, मैंने सारा निकाल लिया था शर्ट का बॉर्डर, तो शुक्र है ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं ये एग्जैक्ट सही साइज़ के बने हुए थे, कि हर फ्लावर में से मैं ये पर्ल्स डाल के कपड़े का ये क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, तो ये बना रही थी मैं, ठीक है। तो ये है कि कपड़े की बचत हो गई। तो इस तरह ना मैंने 5-5 करके 10 पूरे टोटल ऐसे तैयार कर लिए थे, एक पंच पे मैंने 5 बटन्स लगाने थे जो ये मैंने तैयार किए, और साइड पे आपको ये पिंक और ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आ रही है, ये ट्राउज़र के मुझे साइड पे लगानी है, साइड पे दोनों तरफ ये पट्टियाँ लगा के। तो फिर ये है कि मैंने कहीं 7 इंच का ये कपड़ा लिया था, दोनों तरफ से फोल्ड करके ये पैंचे पे मैंने लगाया है, ठीक है, ट्राउज़र के पैंचे पे लगा रही हूँ। और जो मैंने बटन्स बनाए थे उनको अंदर दबा के लगाना है सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे। आपने वो बटन्स लगाने से पहले अपनी मशीन का बूट चेंज करना है, ठीक है, तो फिर ही लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। ये देखें, अच्छा ये जो प्रिंट्स होते हैं ना, डॉट पॉलका डॉट में हो गए, लाइनिंग में हो गए, चेक में हो गए, या ज़ेब्रा प्रिंट में हो गए, या ये स्नैक प्रिंट होता है, मतलब ऐसे जो डिज़ाइंस होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि सदा बहार प्रिंट्स होते हैं, कि आप वो अपनी शर्ट 10 साल बाद भी निकाल के पहनेंगे ना, मैं कहती हूँ ट्रेंडिंग पे होगा भाई। तो ये है कि ना इसी तरह ही आपने ना सब कुछ लगाने के बाद, अच्छा जो मैं ये फोल्डिंग लगा रही हूँ ना, ये फोल्डिंग मैंने ज़्यादा रखी है, ये 5 इंच की फोल्डिंग होगी बैक साइड पे, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा हैवी आ जाए लुक ट्राउज़र में, तो ये पर्ल्स भी हैं ना, इनका वेट ज़्यादा होगा, तो इस वजह से मैंने वो ज़्यादा रखी है फोल्डिंग। 7 इंच की रखी थी शायद, मैंने 5 या 5.5 की तैयार की है, तो इस तरह पूरी मैंने लगा दी थी। आपको बताती हूँ फोल्डिंग आपने कैसे फोल्ड करनी है। ये है ट्राउज़र का पैंचा, मैंने इसकी फोल्डिंग ज़्यादा रखी है, ये आपने पता है कैसे जोड़ना है, इसको आपने सीधा करना है, ठीक है, ऐसे ये उठाना है, यहाँ सिलाई लगानी है। तो आपने इस तरह सिलाई लगा के आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह ही आपने दूसरा पैंचा भी जोड़ के पूरी राउंड में इस तरह बीच की आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यार इसमें ना ये नोके नज़र नहीं आएंगे ट्राउज़र की, जो बेइंतहा बुरी लगती है। लॉन के कपड़े तो ये है कि ओवरलॉक नहीं होते, ना कोई करवाता है, कौन जाए खपे लॉन के कपड़े, तो धागा भी नहीं निकलता अंदर से, इसलिए तो ये है कि आप फिनिशिंग से काम कर लें ताकि इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये जो आपने यहाँ सिलाई लगाई थी, ठीक है, इसको हम कर लेंगे सीधा, ऐसे। ये देखें इसकी बैक साइड नज़र नहीं आ रही, जिस तरह सिलाई किया गया है ये, तो वो चली गई हैं अंदर, नोके नोके जो थी, ये देखें, इसको कहते हैं गुम, गुम सिलाई कहते हैं इसको। तो फिर ये कि इसको आप जो फोल्डिंग है यहाँ से तो पाई कर लें सारी, और ये हो गया मेरा ट्राउज़र रेडी। जल्दी से आप कमेंट करें कि कैसा स्टिच हुआ है। और अब हम मिलते हैं इस ट्राउज़र की शर्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और ये है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कितनी प्यारी लग रही है बॉल जो मैंने लगाई हैं, ठीक है, ये देखें आपको निकाल के दिखाती हूँ।
तो ये आप सब लोग पूछते हैं कि स्ट्रिप्स किस लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ ये किस लिए।